रियल लाइफ में आप कैसे रहते हैं? रियल लाइफ में कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं है, बट हाँ, रिपू धमन ऑब्वियसली वो लाइफ हम लोग अभी शूट करके आ ही रहे हैं, तो वहाँ अगर आप सेट पे होते तो मैं जब डेफिनेटली दिखाता। वहाँ का रूटीन बड़ा हेक्टिक था हमारा। सुबह उठ के हम लोग 6:30 उठते थे और निकल जाते थे सीधा शूट पे, और ऑब्वियसली 5:30 जाके एक्सरसाइज, उसके बाद निकलना, फिर प्रैक्टिस, फिर पूरा धूप में काम करना। बाय द टाइम आप रात को वापस आते थे तो कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ बिस्तर एंड यू गो टू स्लीप। यहाँ पे गणपति हैं, ऊपर गणपति हैं, या घर की शुरुआत होती है। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये सबसे पहले ये गणपति जो आप देखेंगे, ये गणपति और भी स्पेशल है, क्योंकि ये गणपति मुझे लता जी ने दिया, लता मंगेशकर जी ने, और उनके घर पे और भी एक गणपति है जो लता जी ने दिया। तो ऐसा उसकी कुछ स्टोरी ऐसी है कि मैंने कई जगह गणपति रखे और घर में आगे भी रहे गणपति। यहाँ पे भी जैसे कुछ अभी रिप्लेसमेंट हुई है, चीज़ें चेंज हुई हैं, तो हर जगह मेरे यहाँ गणपति ज़्यादा होंगे। और उसका कारण ये है कि एक दिन मैं मतलब किसी चैरिटी के लिए गया था, और जब वो चैरिटी के लिए गया मैं वहाँ पे, तो मैंने देखा कि जो चैरिटी वालों ने, जहाँ पे मैं गया, उन्होंने जो गिफ्ट दी मुझे वो गणपति थे। और सेम डे पे मैं लता जी के पास गया, वहाँ पे भी उन्होंने मुझे गणपति दिया, और मुझे पता नहीं था कि हर आदमी मुझे गणपति ही देने वाले हैं। और एक जगह और गया मैं किसी कॉलेज के फंक्शन पे, वहाँ पे भी चीफ गेस्ट, और पता लगा किसी ने दिया है गुलदस्ते के साथ, तो गणपति। सो कुछ ऐसा दिन गया कि मेरे पास एक दिन में 3 या 4 गणपति सबने दिए मुझे, और उसके बाद से मैंने, और दिन भी अच्छा गया, और उसके बाद पूरा साल भी अच्छा गया, और उसके हिसाब से मैंने घर में हर जगह गणपति सजाना शुरू किया। ये जगह है, बड़ी प्यार से बनाई गई है, और ये मैंने एक एक चीज़, इसकी एक एक चीज़ मैंने खुद शॉपिंग करके बाहर से। और ये जो आप ये जो सिल्वर देख रहे हैं, ये नीचे भी आप देख रहे हैं सिल्वर, ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये मैच किया गया। आप पीछे अगर इस पर भी जाएंगे तो डोर पे ये जो ये स्पेशल, और इवन स्पेशल वुड, जगह छोटी लेकिन मैंने उसको बड़े प्यार से ये सारा वो किया। अच्छा, ये मेरे फैन ने दिया मुझे, और ये बड़े प्यारे से फैन हैं जिन्होंने सचिन को भी भेंट किया था, लता जी को भी भेंट की थी। तो ये इन्होंने क्या खास चीज़ बनाई है, इस पर आप अगर गौर करेंगे, ये है 11/12/74, दिस इज द बर्थ डेट, एंड सेम यू कैन सी हियर 11/12/74। तो ये उन्होंने बेचारे ने मतलब ये कलेक्ट किया होगा, और काफ़ी बड़े प्यारे थे तो इन्होंने ऐसा कुछ किया। और बहुत से ऐसे फैंस रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो अलमारी मेरी यहाँ पे है नहीं, वो टाउन में है कि मैं आपको खोल के दिखा सकूँ सारे फैंस का। यहाँ से मैं बैठ के, चाय पीने वाली जगह है मेरी, यहाँ आई सिट हियर एंड डू ऑल दिस। ये एक एक चीज़ यहाँ की भी मैंने खुद शॉप की है, एवरीथिंग डिटेलिंग जो भी थी इसकी। फ्रिज में मेरे यहाँ पे ज़्यादातर खाली मिलेगा, फ्रूट मिलेगा या फिर ऐसी कुछ चीज़ें, बाकी चीज़ें ऐसी रहेंगी। एंड द रॉक स्टार इज कम फ्रॉम द हॉस्टल, सो ही इज वॉचिंग मैच, एंड दिस इज माई कोजी प्लेस। ये भी एक जगह है जहाँ पे मैं नॉर्मली यहाँ बैठता हूँ, और ये भी रखी हुई थी एक्सरसाइज के लिए, टाइम पास जब फुर्सत में है। इज वेरी शाई, मोर देन मी इनफैक्ट। अगर कोई भी इनसे पूछता है, बाहर भी कोई पूछता है कि यार आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो मुझे ऑब्वियसली उम्मीद होती है बच्चन साहब बोले, या सलमान या शाहरुख या ये, मेरा फेवरेट एक्टर डैडी है। मैंने, अरे क्या बात है। ये मुझे याद आ रहा है उस समय का, फैंस ने इंक्लूड किया है लता जी के साथ जब हम बैठे थे, तो ये, और बाकी रियली स्वीट ऑफ सम फैंस टू सेंस थिंग्स लाइक दिस। और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो इस समय यहाँ पे नहीं है मेरे पास, इस घर पे, ऑब्वियसली दूसरी जगह पे है। तो ये जो है यादगार चीज़ें हैं, जो मैंने डिसगाइज में प्ले किया है, जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, उनकी सारी तस्वीरें हैं। और ये हमारे दक्ष है जो उस समय बहुत छोटे हुआ करते थे।
मुझे कांच की चीज़ें रखना भी बहुत पसंद है, स्पेशली ग्लासेस अलग अलग कलर्स के। ये बड़े क्लोज मिस्टर शिवाजी साटम जिन्होंने ये फोटो खींची थी मेरे लिए, और यहाँ पे आप उनका सिग्नेचर देख सकते हैं। मेरी गाड़ी में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ये आप बैडमिंटन देख सकते हैं, बैट भी है इधर, बॉल भी होगी इधर, इस तरह से सारी चीज़ें। और कभी कभी तो मैं क्या करता हूँ कि इसको पूरा फोल्ड कर देता हूँ प्रॉपरली, और उसके बाद मेरी साइकिल इसके अंदर आ जाती है। सो जब मैं ट्रैफिक में या कहीं बाहर घूम रहा होता हूँ या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर बहुत क्राउडेड है, बहुत भीड़ है, तो मैं अपनी कैप निकालता हूँ, कवर करता हूँ, और उसके बाद साइकिल लेके निकल जाता हूँ और गाड़ी वहीं पार्क कर देता हूँ। ये 24 hours फिटनेस जहाँ पे चाहे आप जब चाहें आ सकते हैं, इट्स अ गुड जिम, और साइड में ऐसा है कि यू हैव लॉट ऑफ स्पेस टू स्ट्रेच एंड ऑल, सो आप जिम भी देखेंगे और वर्कआउट भी। साइकिल इनके लिए ली गई थी कि टाइम पास होगा, बिकॉज ऑब्वियसली मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, बट देन आई रियलाइज कि ट्रैफिक इतनी होती है ना कि मैं अपनी साइकिल को गाड़ी के अंदर डाल देता हूँ और इसका इस्तेमाल करता हूँ, और भाई साहब ये नहीं होते हैं तो मैं चुपके से इस्तेमाल करता हूँ। सो नाउ ही सीज़ कि अपनी साइकिल खड़ी है और ही डजंट वांट टू सिट, बिकॉज एक बार बेचारा गलती से फिसल गया था रात में। जिम में जाके वर्कआउट भी किया, और उसके बाद थोड़ी बहुत साइकिलिंग, थोड़ा बहुत टाइम पास दक्षे के साथ, वो भी किया। और अब हम आ गए हैं मेरे दूसरे घर पे, ये मेरा घर है उसके बाजू में ही है जहाँ पे आपने पहला वाला घर देखा। तो आप देख सकते हैं ऐसे नई जगह है, अभी बहुत डनअप नहीं है, बट जस्ट इट्स अ नाइस कोजी प्लेस जहाँ से बहुत बढ़िया व्यू दिखता है, लेकिन बाद में व्यू दिखाऊँगा। फ़िलहाल टाइम हो गया है लंच का, और फरमाइश है हमारे दक्षे की, अंडा करी या कुछ सब्जी और रोटी खाने का मूड है, तो मैं इनके लिए वो बनाता हूँ और आप लोग मुझे फॉलो करें। शेफ मैं काफ़ी समय से बनाऊँ, और ये पूरा श्रेय जाता है मेरे पिताश्री को, जो कि जो अब नहीं है ऑब्वियसली, बट आर्मी बैकग्राउंड था, तो इसलिए चाहे वो मैं हूँ या मेरा भाई हो या डैडी हो, हमेशा हमने घर का हर काम, ये तो सिर्फ खाना बनाने की बात है, ऐसा कोई भी काम जो महिलाएं करती हों या जो पुरुष करते हों, कभी भी ऐसा फ़र्क नहीं समझा, ना हमने अपने घर में फ़र्क समझा ना बाहर समझा, तो इसलिए कभी ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं, ऐसा कौन सा काम है जो पुरुष भी नहीं कर सकते, तो वी डू एवरीथिंग, और उसी हिसाब से हमेशा करते आए हैं, तो अपनों के लिए करना बड़ा अच्छा लगता है। और अब हम आटा गूंदेंगे, ये काम सबसे खतरनाक होता है खासकर पुरुषों के लिए, ये काफ़ी आदमी हिल जाते हैं, और महिलाओं के लिए लोग कहते हैं बड़ा आसान, बट एनीवे सबके लिए एक ही जैसा है। आपको पता ही है कि जैसा बड़ा प्लान बना था हमारा शाम का कि बाहर कहीं जाएंगे डिनर के लिए, एंड फाइनली ऐसी फरमाइश हुई, तो मैंने चलो ठीक है, इट्स फन टू डू ऑल दिस, और सारे बच्चे जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो और मज़ा आता है।
तो इस तरह से आपने हर वो चीज़ देखी जो मैं करता आ रहा हूँ या की। और एक बात और, आप पोरस देख रहे होंगे और अब पोरस का समय बदल गया है, अब पोरस आएगा 8 बजे रात को, सो देखना मत भूलिए। और जिस तरह अब तक आप देखते आए हैं वैसे ही देखते रहिए पोरस। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।